अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप तमाम हजरात खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है जहाँ भी आप हैं अल्लाह आपको खुशी और सलामती के साथ महफूज रखें। दोस्तों अल्लाह ताला ने बंदों को हलाल कमाने और हलाल खाने का हुक्म दिया है, हलाल ही पर फोकस दिलाया है और हराम की इतनी बुराई इतनी कबाहतें बयान फरमाई हैं और हराम की इतने नुकसानात बयान किए हैं जो दुनियावी ज़िंदगी में भी जाहिर होते हैं और आखिरत में तो यकीनी तौर पर उनका नुकसान होगा। इसलिए हमें हलाल ही कमाना चाहिए, हलाल तरीक़े पर ही कमाना चाहिए, हलाल ख़ुद भी खाना चाहिए, हलाल ही अपनी औलाद और अपने मातहतों को खिलाना चाहिए। हराम के क्या नुकसान हैं मैं आपकी खिदमत में ये सिर्फ 10 नुकसान बयान कर रहा हूँ। हराम की नहुसत क्या होती है, हराम खाने से क्या नुकसान होते हैं, सिर्फ 10 बातें बयान कर रहा हूँ, वरना नुकसानात तो इससे बहुत ज़्यादा हैं। हराम की नहुसत और हराम खाने का सबसे पहला नुकसान ये है कि हराम खाने वालों को नेकियों की तौफीक नहीं मिलती। उनको नेकियां करने, खैर खैरात करने, नमाज़ पढ़ने, रोज़ा रखने, अच्छे काम करने, भलाई वाले काम करने की तौफीक ही नहीं मिलती। उनका दिल चलता ही नहीं, उनके हाथ पैर नेकियों की जानिब चलते ही नहीं। ये हराम की नहुसत है और वो ये समझते हैं अल्लाह हमें तौफीक नहीं दे रहा है। अल्लाह तौफीक तो जब देगा जब आपने तौफीक वाले काम किए हों। जो जिस्म हराम से पल रहा हो वो कभी भी नेकियों की जानिब नहीं जाता है। ये सबसे पहली नहुसत है हराम कमाने और हराम खाने की। और दूसरी नहुसत है अगर आमाल की तौफीक हो भी जाए कभी हराम कमाने और हराम खाने वाले को, तो उन आमाल और नेकियों में उसको लज्जत महसूस नहीं होती, दिल नहीं लगता उसका। अगर कोई आदमी ऐसा है जो हराम कमाता है, हराम खाता है और इबादत भी कर रहा है, तो वो डंडे मार वाली इबादत होती, उसका दिल नहीं लगता वहाँ, वो दिल उसका कहीं और रहता है, इबादत में उसकी तवज्जो ही नहीं रहती, इबादत की उसको लज्जत ही महसूस नहीं होती। ये दूसरा नुकसान है हराम कमाने और हराम खाने का। तीसरा नुकसान है आमाल और दुआ कबूल नहीं होते, नेकियाँ और जो दुआएँ हराम कमाने और खाने वाले मांगते हैं न उनकी दुआएँ कबूल होती और न उनकी नेकियाँ कबूल होती। उनकी नेकियां भी और उनकी दुआएं भी अल्लाह उनके मुंह पर मार देता है। ये तीसरा नुकसान है हराम कमाने हराम खाने पर, इसलिए हलाल ही को लाजिम पकड़ें। चौथा नुकसान है माल में बरकत नहीं होती। ये दुनियावी नुकसान है, ये समझते रहते हैं कि पता नहीं क्यों नहीं बरकत होती, लेकिन वो ये नहीं समझते कि जिस तरीक़े से वो माल कमा रहे हैं वो तरीक़ा कमाने का हराम है। खूब मेहनत के साथ रात दिन लग कर के वो पैसा कमाते हैं लेकिन फिर भी ज़रूरत पूरी नहीं होती। इसका मतलब ये है कि माल में और कमाई में बरकत नहीं है। माल में और कमाई में बरकत आती है हलाल से और ये हलाल तरीक़े पर, यह हलाल माल न कमा रहा है न खा रहा है, तो फिर बरकत कहाँ से आएगी। ये चौथा नुकसान है। पाँचवा नुकसान है के हराम खाने और हराम कमाने वालों के अंदर नेकियों के बजाय गुनाह के जज्बात ज़्यादा आते हैं। नेकियां करने को दिल नहीं चाहता, गुनाह की जानिब दिल भागता है, पैर चलते हैं, हाथ दौड़ते हैं कि वह गुनाह के काम, अल्लाह की नाफरमानियों में खूब दिल लगता है ऐसे लोगों का। ये पाँचवा नुकसान है। और छठा नुकसान है औलाद पर बुरा असर पड़ता है और फिर वो औलाद बड़ी हो करके माँ बाप की फर्माबरदार नहीं नाफरमान बन जाती है। छठा सातवां नुकसान है अल्लाह और उसके रसूल दोनों नाराज़ होते हैं हराम कमाने और हराम खाने वाले से। तो जिस बंदे से अल्लाह नाराज़ हो जाए, उसका रसूल नाराज़ हो जाए, तो उसकी क्या ज़िंदगी है। इसलिए हलाल ही पर फोकस लगाएं, चाहे कम मकदार में हो, चाहे अच्छा ना हो थोड़ा हो, चाहे बहुत अच्छा ना हो हल्का हो, लेकिन अगर हलाल है तो उसके बे इंतहा फ़ायदे हैं। आठवां नुकसान है हराम जिस रास्ते से आता है उसी रास्ते से निकल जाता है। जितनी सहूलत के साथ आता है उतनी ही जल्दी वो निकल भी जाता है। डॉक्टरों के पास चला गया, कोर्ट कचहरियों में चला गया, चोरी हो गया और कोई मसला हो गया, जितनी आसानी से वो आया था, जिस रास्ते से वो आया था उसी रास्ते से जल्दी से वो अपने इस वाले मालिक को छोड़ कर भी निकल जाता है। अच्छा जी, नवा नुकसान है हराम खाने वाला जन्नत में नहीं जाएगा।
एक मोमिन के लिए सबसे बड़ी तसल्ली की बात दुनियावी ज़िंदगी में ये है कि उसको मरने के बाद जन्नत मिलेगी, अब हराम खाने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। तो इससे बड़ा और नुकसान क्या होगा? दसवां नुकसान है, हराम से पलने वाले गोश्त के लिए जहन्नम ही लायक है। यानी हराम माल से गोश्त का जो हिस्सा बढ़ेगा, बॉडी का जो हिस्सा बढ़ेगा, उसका ठिकाना सिर्फ जहन्नम है, और वो जहन्नम के लायक है, जहन्नम उसके लायक है। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, ये बहुत बड़े बड़े नुकसान हैं हराम कमाने और हराम खाने के। खुदा के लिए थोड़ा कम क्वालिटी का खा लें, कम खा लें, लेकिन हलाल हलाल सिर्फ हलाल। हराम से अपने आप को बिल्कुल बचाएं, वरना दुनिया भी ज़िंदगी भी बेलज़्ज़त और आखिरत में तो लज्जत मिलने का उसको कोई मतलब ही नहीं बनता है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, दोस्तों तक शेयर कीजिए, दुआओं की दरख्वास्त है। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।